हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे एनोमेलस प्रॉपर्टी के बारे में, और हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड के ये जो एलिमेंट है पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13 में पहला एलिमेंट बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एनोमेलस है। एनोमेलस का मतलब क्या है? एनोमेलस का मतलब जिसका प्रॉपर्टी दूसरे से अलग हो। एक्चुअली एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका गुण एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है कि एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में होगा। तो यहां पर देखते जब हैं तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्रॉपर्टी एक जैसा है। जैसे इस ग्रुप में इन सब का एक जैसा है, अकेले नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी इन चारों से अलग है, वो इनसे मैच नहीं करता। उसी तरह से इस ग्रुप में ये सारे एलिमेंट का गुण एक जैसा है, लेकिन अकेला ऑक्सीजन अलग है। इसी तरह से इस ग्रुप में भी सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट एक जैसे, लेकिन फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टी उनसे मैच नहीं करता। तो अपने ही ग्रुप से बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टी में अलग होना ही एनोमेलस प्रॉपर्टी कहलाता है। मतलब द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप। तो हर ग्रुप के पहला जो एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है पी ब्लॉक में, इन सब का प्रॉपर्टी एनोमेलस है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो एनोमेलस प्रॉपर्टी। इसका रीजन क्या है? तो इसके मुख्य रीजन तीन है, तीन वजह है इसका। पहला रीजन है कि इनका साइज छोटा होता है। हम लोग ग्रुप में जानते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो इस ग्रुप में सबसे छोटा साइज बोरोन एटम का, इस ग्रुप में सबसे छोटा कार्बन एटम, इस ग्रुप में सबसे छोटा नाइट्रोजन एटम। तो स्मॉल एटॉमिक साइज पहला कारण, इसका एटॉमिक साइज का छोटा होना। एटॉमिक साइज छोटा होगा, छोटा एटॉमिक साइज होने से बहुत सारा प्रॉपर्टी में अंतर पड़ जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि पाई बॉन्ड छोटे एटम में ही बनते हैं, बड़े में नहीं बन पाते। तो बहुत सारा चीजों को जन्म देता है साइज के वजह से। दूसरा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम बताए थे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे घटता है, तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरोन का, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, इस ग्रुप में सबसे नाइट्रोजन का, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो ये जो फर्स्ट मेंबर है इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एनोमेलस बिहेवियर का दूसरा कारण है इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान ज्यादा होना। और तीसरा कारण है
चूंकि ये सेकेंड पीरियड में है तो सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक ही रहता है। जैसे बोरोन का लिखेंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन, तो के एल एम एन ऑर्बिट जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट में दो, सेकेंड में वन। कार्बन का दो तीन, यहां पर चार। नाइट्रोजन का दो पांच, ऑक्सीजन का दो छः, फ्लोरीन का दो सात। तो इन सब का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक ही है, थर्ड ऑर्बिट आया ही नहीं। तो सेकेंड ऑर्बिट आप जानते हो पहला ऑर्बिट में एक ही सबसेल होता है एस, सेकेंड ऑर्बिट में दो सबसेल है एस है और पी, और थर्ड ऑर्बिट में तीन सबसेल होता है एस पी और डी। फोर्थ ऑर्बिट में चार गो होता है, एस भी होता है पी भी होता है डी भी होता है और एफ। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट चूंकि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक ही है इसलिए इनमें डी सबसेल पाया नहीं जाता। और इसके एनोमेलस बिहेवियर का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके वैलेंस सेल में डी सबसेल मौजूद नहीं रहना, एबसेंस ऑफ Absence of D subcell का absent होना in the valence cell, इनके valence cell में, valence cell कहते हैं अंतिम कक्षा को, last orbit को, और इनके valence cell चूंकि second orbit है और second orbit में D होता ही नहीं है इसलिए इनके valence cell में डी सबसेल का ना पाया जाना भी इसके एनोमेलस बिहेवियर का कारण है। तो ये तीन मेन कारण है। अगर एग्जाम में पूछता है हमको कि नाइट्रोजन का बिहेवियर एनोमेलस क्यों है, कारण बताएं, तो हम यही तीन पॉइंट लिखेंगे कि इसका एटॉमिक साइज छोटा है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, इसमें डी सबसेल वैलेंस सेल में प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट ईयर पूछ दिया ऑक्सीजन का एनोमेलस बिहेवियर होने का कारण बताएं, तो भी इसी तीन पॉइंट को लिखेंगे। या फिर पूछ दिया फ्लोरीन का क्यों एनोमेलस है, यही तीन पॉइंट को लिखेंगे। तो इनमें से किसी का भी एनोमेलस प्रॉपर्टी का कारण पूछा जाए तो आप यही तीन पॉइंट लिखेंगे। एकाद केस फ्लोरीन में हम एकाद पॉइंट बढ़ाएंगे देखिएगा, लेकिन ये तीन तो लिखना ही है। इसलिए एनोमेलस प्रॉपर्टी कौन दिखाएगा, तो अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर, एक बात ये याद रखना। और दूसरा याद रखना इनके एनोमेलस बिहेवियर का कारण यही तीन कारण है। किसी किसी केस में इस तीन के अलावे एक चौथा कारण भी हम बताएंगे, खास करके फ्लोरीन में, लेकिन ये तीन तो हमेशा लिखाएगा। ये एनोमेलस बिहेवियर पर आधारित क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसको बना के देखिएगा आप, तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा बैकयर्स का बनाओगे तो आपको यही तीन कारण दिमाग में रखकर बनाइए, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से बता पाएंगे। अब बाकी प्रॉपर्टी बताने के लिए हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक में से किसी एक ग्रुप को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि चीजों को समझने में भी आसानी हो और हमें समझाने में भी आसानी हो। उसके लिए हम नाइट्रोजन फैमिली का चुनाव करते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली से बनता है और पूछता भी है, इसलिए हमने पी ब्लॉक में से एक ग्रुप को चुन लिया नाइट्रोजन फैमिली। लेकिन आपको हम दिखाएंगे कोई एक फैमिली को जानने के बाद बाकी सारे फैमिलीज का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15 में है और इसका पुराना नंबरिंग है 5A और नया नंबर है इस ग्रुप का ग्रुप 15। एक चीज और याद रखिएगा
कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उसे हम पिनाकोजेन भी कहते हैं। इस ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आप याद, आपको हम बताए थे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। यहां पर इस ग्रुप में ये जो दो एलिमेंट है शुरू वाला, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल। इसके नीचे का जो दो एलिमेंट है ये है मेटालॉइड। मेटालॉइड कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं और लास्ट वाला मेंबर मेटल है। तो देखिए, शुरू में नॉन मेटल, फिर मेटालॉइड, फिर मेटल। इससे पता ये चला कि नॉन मेटल का कैरेक्टर धीरे धीरे ऊपर से नीचे घटता जा रहा है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए तो नॉन मेटल, फिर मेटालॉइड, फिर मेटल पर आ गया। तो ये चीज बाकी ग्रुप में भी लागू होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा और मेटालिक बढ़ता जाएगा। एक चीज और हम बता दें कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब मेटल हैं। केवल एस ब्लॉक में एक हाइड्रोजन है जो नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन बिल्कुल अलग होता है बाकी से, उसको अगर छोड़ दें तो इस तीन ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल हैं। बट पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है इसी ब्लॉक में, और मेटालॉइड भी है। सारा नॉन मेटल इसी में है, सारा मेटालॉइड इसी में है और इसमें कुछ मेटल भी हैं। तो इसमें तीनों प्रकार के एलिमेंट पी ब्लॉक में मिलेंगे आपको, लेकिन उनमें से नॉन मेटल कौन है, मेटालॉइड कौन है, मेटल कौन है पी ब्लॉक में, वो थोड़ा याद रखना होगा। जैसे हमने कहा कि ये शुरू का दो मेंबर इसका नॉन मेटल है, ये बाद वाला दो मेंबर मेटालॉइड है और लास्ट वाला मेटल है। तो बाकी ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चीज नहीं, मेटल, मेटालॉइड, नॉन मेटल कौन कौन है वो याद रखना है। बट एक चीज तय है कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। अगर एग्जाम में हमें पूछे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में मोर नॉन मेटालिक कौन है, तो नाइट्रोजन है, क्योंकि नीचे नॉन मेटल का कैरेक्टर घटेगा। अगर कहे कि कार्बन और सिलिकॉन में मोर नॉन मेटालिक कौन है, तो कार्बन है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे नॉन मेटालिक घटेगा। अगर हमें पूछे फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस में है, तो फ्लोरीन में है, क्लोरीन में कम। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा नॉन मेटालिक, ऑक्सीजन है, सल्फर में कम। तो याद रखना कि यह हर ग्रुप के लिए है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यहां पर इस ग्रुप की बात करें तो इसमें शुरू का दो एलिमेंट नॉन मेटल है और बाद का दो एलिमेंट मेटालॉइड और लास्ट वाला मेटल। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस। इसका फॉर्मूला N2 लिखा जाता है, जबकि अदर मेंबर्स जो हैं आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, टेट्रा एटॉमिक
सॉलिड होते हैं, जैसे फास्फोरस का फॉर्मूला P4 लिखाता है, P2 नहीं, नाइट्रोजन N4 नहीं, N2A, वो डाई एटोमिक। उसी तरह आर्सेनिक का As4 होगा, एंटीमनी का Sb4 होगा, और जो बिस्मथ है ये मोनो एटोमिक मेटल है या सॉलिड है। एक्चुअली मेटल जो भी होते हैं वो मोनो एटोमिक होते हैं, सिंगल एटम से बना होता है, एक एक एटम से, हर एटम अलग होते हैं, तो मेटल के वजह से मोनो एटोमिक। तो यहां पर ये डाई एटोमिक गैस है, ये सब टेट्रा एटोमिक सॉलिड। ये देखिए ये सब सॉलिड है, तो ये अकेले गैस है, तो ये एनोमेलस है, बाकी से मैच नहीं करता। तो यहां एक क्वेश्चन ये भी बनता है इनऑर्गेनिक का कि नाइट्रोजन डाई एटोमिक गैस है लेकिन ये टेट्रा एटोमिक सॉलिड है, इसका एक्सप्लेन करें, इसको बताएं। तो इसको एक्सप्लेन करने में दो चीज आपको आंसर करना होता है। पहला, ये डाई एटोमिक है, ये टेट्रा एटोमिक है, इसका कारण बताना पड़ेगा, और दूसरा ये गैस है और ये सॉलिड है, ये भी कारण बताना पड़ेगा। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को आंसर करना आप समझ गए तो अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन डाई एटोमिक गैस होता है, सल्फर ऑक्टा एटोमिक सॉलिड होता है, कारण क्या है, तो वही रीजन यहां भी चिपकाएंगे हम। या पी ब्लॉक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सबका आंसर एक ही होगा, सिर्फ इसका आंसर हम अगर समझ जाएं तो हम पी ब्लॉक के इस तरह के क्वेश्चन नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ पूछे, ऑक्सीजन सल्फर या किसी और के साथ, हम आंसर एक ही होगा जो हर जगह लिखाएगा। तो पहले हम लोगों को इसका आंसर खोजना है, इसका आंसर लिखने का तरीका, और तब इसके सिमिलर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम इसका आंसर, इसको समझेंगे और फिर इसका आंसर कैसे लिखना है वो सिखाएंगे कि नाइट्रोजन डाई एटोमिक गैस क्यों है और ये टेट्रा एटोमिक सॉलिड क्यों है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।